हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के सामने फिर से हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ एक कंपैरिजन वीडियो कर रही हूँ। टाइटल से आपको पता चल गया होगा एंड दिस कंपैरिजन इज बिटवीन हेयर ऑयल, सेसा हेयर ऑयल और महाभगराज हेयर ऑयल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल हो और थोड़ा बहुत भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मैं पहले रिव्यू करती हूँ सेसा हेयर ऑयल। ये पूरा ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं है। ये मैं पूरा यूज़ कर चुकी हूँ, इसके मैंने इतने रिव्यूज़ सुन लिए थे कि दिस इज़ वेरी नाइस। बहुत मतलब काफ़ी आसपास के लोगों से भी, नॉट ओनली यूट्यूब, मैंने आसपास भी इसके काफ़ी अपने रिव्यूज़ सुन लिए थे। इट्स अ गुड हेयर ऑयल बट इट डिडंट मेक एनी डिफरेंस। हेयर फॉल को इसने रिड्यूस नहीं किया, फॉर श्योर नहीं किया। जो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इट्स तो अजीब सी, मतलब कैन सी यूकेलिप्टस टाइप का कुछ इसमें, पता नहीं क्या है उसकी जैसी आती है। एंड इंग्रेडिएंट्स इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन सो ये 3 ईयर की शेल्फ लाइफ के साथ आता है। 165 रुपीज़ की ये बॉटल है MRP पे, एंड दिस इज 100 ml बॉटल 165 MRP पे पड़ती है। सो आई परचेज दिस ऑनलाइन, मैंने पर्पल और इधर नायका, इन दोनों में से किसी एक से खरीदा होगा फॉर श्योर। मुझे याद तो नहीं है, अभी काफ़ी टाइम हो गया, ऐसे ख़त्म हुए काफ़ी टाइम हो गया, सो मुझे वो याद नहीं है। बट यस, ये हेयर ऑयल मेरे केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मुझे नहीं शो हुए इसके, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी थोड़ा सा मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई। एंड अगर आप इसे ट्राई करना चाह रहे हैं तो यस, यू कैन गिव इट अ ट्राई, मे बी इट कैन गिव यू सम रिजल्ट्स, क्योंकि आयुर्वेदिक है तो ऐसे कोई नुकसान नहीं है, तो यू कैन गो फॉर दिस। अच्छा, वन थिंग इज़ वेरी गुड अबाउट दिस एप्लीकेटर, जो इसके साथ एप्लीकेटर वाला, ये बॉटल्स बहुत ईजी टू यूज़ होती हैं, मतलब ऑयलिंग काफ़ी ईजी कर देती है, तो इट्स अ गुड थिंग। सो नेक्स्ट स्टेप, जो दूसरा हेयर ऑयल था वो है बैद्यनाथ का महाभगराज हेयर ऑयल। ये भी बहुत मैंने रिव्यू सुने, काफ़ी अच्छे रिव्यूज सुने इसके मैंने। सो फॉर ये 310 रुपये की ये बॉटल है, 200 ml की, ये 200 ml के बॉटल है। एंड ऑयल जैसे कि जो सेसा हेयर ऑयल था ना, ये काफ़ी लाइट है, इतना हैवी नहीं है, और ये बहुत स्टिकी है, बहुत स्टिकी है, और जो इसकी स्मेल है ना, माय गॉड, आप इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। रात को अगर लगा के सोने का सोच रहे हो ना, सो फॉरगेट अबाउट, नहीं कर सकते। बट हेयर ऑयल अच्छा है, थोड़ा सा मतलब थिक हेयर ऑयल है, स्टिकी हेयर ऑयल है, जैसे लाइट है ये थोड़ा सा स्टिकी साइड में, हैवी साइड में है। सो वन थिंग इज दिस, ये प्रोज एंड कॉन्स इसके हैं, ठीक है। एप्लीकेटर के साथ आता है सेम लाइक दैट, ये भी बचा हुआ, ये ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट्स हेयर फॉल, और ये बालों को थोड़ा सा स्मूथ तो बनाता है, ऑफकोर्स इतना स्टिकी है तो बनाता तो है, नो डाउट। अगर आप इसे ओवरनाइट रख सकते हो तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे, पर मैंने ओवरनाइट ट्राई नहीं किया क्योंकि इतनी खतरनाक स्मेल है ना, माय गॉड, मैं नहीं झेल सकती। तो बट ओवरऑल दिस हेयर ऑयल इज मच बेटर देन दिस वन इज, मतलब मेरे केस में तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया इसने, तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ गुड हेयर ऑयल, आपके हेयर फॉल का इशू हो रहा है, कुछ हो रहा है, देन यू गो फॉर दिस, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है। और इधर यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, मे बी आपके केस में कर ले, बट मेरे केस में नहीं किया, बट दिस वन इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, गो फॉर दिस। आपके बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, देन गिव इट अ ट्राई, गिव दिस ऑयल अ ट्राई, ये डेफिनेटली आपको समय कुछ ना कुछ तो हेल्प करने वाला है। So this is the comparison video of Sesha and Mahabhagraj oil, Baidyanath ka, okay, Baidyanath ka Mahabhagraj oil hai ye. So I hope your video aapke liye helpful raha ho, agar ye aapke liye helpful raha ho to please mere video ko like kariye aur channel ko subscribe kariye aur jaise wale logon ke sath share kariye. So thanks for watching, I'll see you soon in next video, bye.